मैं पूरा एक क्लास फेस वैल्यू पे क्यों देना चाहता, अच्छी तरह से समझ लेना। चूंकि इस फेस वैल्यू के बेस पे ही मैं आज आगे आपको डिविडेंड समझाऊंगा। इस फेस वैल्यू के बेस पर ही मैं स्प्लिट ऑफ शेयर समझाऊंगा। इस फेस वैल्यू के ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट हैं। यही कारण है कि मैं फेस वैल्यू के ऊपर अलग से क्लास डेडिकेट करता हूं, कर रहा हूं, दैट इज क्लास नंबर 4। ध्यान से देखिएगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वैल्यू मीन्स द ओरिजिनल प्राइस ऑफ विच promoter buy the share of the company. Face value means the original price of which promoter buy the company. ये जब promoter buy करता है तो, या कोई भी share जो promoter के पास होता है तो क्या होता है, share पे share certificate में लिखा रहता है। अब आपको एक example देता हूं। ये है शेयर सर्टिफिकेट एनी टाइम क्लास का। एनी टाइम क्लास ने, ये है पीएस राठौर, एनी टाइम क्लास ने प्रमोटर को शेयर इशू किया हुआ है। मतलब प्रमोटर के पास इतने शेयर हैं। अब देखो इसमें फेस वैल्यू दिख रहा है आपको, आगे ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। मेन चीज़ आप देखिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या है, 10 रुपया का है। यानी प्रमोटर को 10 रुपया में कंपनी ने शेयर दिया है। आपको पता होगा कि एनी टाइम क्लास प्राइवेट लिमिटेड अब बहुत जल्दी पब्लिक लिमिटेड होने वाला है। एंड पीएस राठौर्स आर द डिफरेंट पर्सन। वो एक लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल पर्सन है। पीएस राठौर ने 10 रुपया कंपनी को दिया एंड कंपनी ने शेयर दिया। सर्टिफिकेट है कि कंपनी को मिला एंड पीएस राठौर ने दिया। यह सर्टिफिकेट है शेयर सर्टिफिकेट, राइट। सर्टिफिकेट चाहिए भी, प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फेस वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे फेस वैल्यू मींस ओरिजिनल प्राइस एट विच द प्रमोटर गेट द शेयर ऑफ द कंपनी। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि हु इज द प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको ये तो समझ में आ गया कि हु इज अ प्रमोटर ऑफ व्हाट, एनी टाइम क्लासेस। तो आप देखोगे पीएस राठौर इज अ प्रमोटर ऑफ द व्हाट, एनी टाइम क्लासेस। चलो मैं कंपेयर करके पूछता हूं कि हु इज अ प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, हु इज द प्रमोटर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बोलोगे प्रमोटर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज हु, धीरूभाई अंबानी। आपने बहुत सारी कहानियां सुना होगा कि फॉरेन में पेट्रोल पंप के बंदे थे, पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, आके उन्होंने कंपनी खोल दिया, उन्होंने कंपनी बनाई। दैट्स लॉट ऑफ स्टोरी यू मस्ट हैव सीन, सक्सेस स्टोरी। सी व्हाट आर द स्टोरी यू नो नाउ, इट इज सो मेनी सक्सेस स्टोरी हैज कम, सक्सेस स्टोरी, ओला गाइस, दिस ऑल आर द प्रमोटर्स, यू नो। सो एनीबडी हु स्टार्ट द कंपनी, एनीबडी हु स्टार्ट द कंपनी इज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, एनीबडी हु स्टार्ट द कंपनी इज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अब आपके दिमाग में आएगा क्या ग्रुप ऑफ द पर्सन मिलके कंपनी बना सकते हैं? क्या क्यों नहीं बना सकते? या ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आप देखिएगा आराम से। गूगल के फाउंडर कौन है? ये दोनों है, बोथ ऑफ देम आर प्रमोटर ऑफ द कंपनी। आप देख रहे हैं ना, ये दोनों भाई, ये भाई दोनों मिल करके क्या बन गए, गूगल के प्रमोटर हैं। सो टुडे एनीबडी कैन बी प्रमोटर ऑफ द कंपनी, एनीबडी। क्या 25 लोग मिल करके कंपनी बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं ना, कोई बात नहीं। जैसे मान लो आप मेरे क्लास देख रहे हैं, 5 लोग मिलके आए, 10 लोग मिलके आए, चलो 50 लोग, सर हम लोग एक नया कंपनी बनाते हैं, हम सब मिलके बनाएंगे, आप इन्वेस्ट करोगे क्या, आप डायरेक्टर बनोगे क्या, आप प्रमोटर बनोगे क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ। तो यू ब्रिंग अ बेस्ट आइडियाज एंड वी विल स्टार्ट द कंपनी। आई एम टेलिंग यू, आई एम सीरियस अबाउट दिस। यू गाइस आर यंग, क्लास 12th में हो ना। मुझे मेल लिखो info@ps.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। आप लिखो यू हैव एनी आइडिया, आई विल फंड द बिजनेस। You have any idea? I'll fund the business, and both of us, all of us, will be the promoter of the company. Can we be the promoter of the company? Yes. Why can't? We'll be the promoter of the company. So this is what. तो share का price क्या हो गया? ध्यान, face value means the original price at which the promoter buy the share of the company or invested share of the company. That's right. Right. Who decides the face value? Is a promoter. Who decides the face value? Is a promoter. ये फेस वैल्यू कितने का हो सकता है? द फेस वैल्यू कैन बी ऑफ 10 रुपीज, फेस वैल्यू कैन बी 2 रुपीज. If somebody want the face value of the 1 rupees, can the face value of the 1 rupees? Yes, face value can be anything. Yaar, what do you decide? What promoter decide? Who decide the face value? Promoter decide the face value. Yaar, promoter decide the face value. अच्छा चलो एक example लेता हूँ. बहुत simple से सवाल है. आप लोगों में से 2 लोग और 1 मैं, 2 लोग आ गए और बोले कि कंपनी खड़ा करनी है. तो हम लोग face value decide करते हैं. कैसे face value decide करेंगे? कंपनी के promoter हो गए 3-4, देखते हैं 3 promoter हो गए. प्रमोटर का नाम है ABC, ABC 3, कंपनी का नाम ही लिखेंगे ABC लिमिटेड, सीधा लिमिटेड रखेंगे, बाद में पब्लिक लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना. अब हम 3 लोग बैठेंगे एकदम बोर्ड रूम में, देखो ये बोर्ड रूम में हम लोग बैठ के बोर्ड रूम में डिसाइड करेंगे अपन लोग कि भैया कंपनी में कितना पैसा चाहिए. तो अपन 3 ने डिसाइड किया कि कंपनी को शुरू करने के लिए अपन को 2 लाख रुपया चाहिए. चलो जी 2 लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया ठीक है, कंपनी का इनिशियल काम हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाएगा, बाद में देखेंगे कंपनी बाद में शेयर इशू कर सकती है फिर से, नहीं तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट अब बाद में बताएंगे आपको क्या होता है, राइट, समझ में आया बात ना. हाँ, अब क्या हुआ, अपन लोगों ने डिसाइड किया कि 2 लाख रुपया का कैपिटल हम बना रहे हैं. तो हम 3 भाई फेस वैल्यू क्या होगा भैया, हम 3 ने डिसाइड किया, मैं आप 2 मिलकर डिसाइड किया और 10 रुपया फेस वैल्यू रख. तो हम बोलेंगे कि 2 लाख रुपया में कंपनी के पास टोटल कितने शेयर बन गए. तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 2 लाख रुपीज प्लस फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर 2 लाख डिवाइड बाई 10 इक्वल टू हाउ मच, 20,000 शेयर हो गया. अब आज के दिन में 20,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है. बाद में ऑफकोर्स ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल के बाद में हम देखेंगे. आई डोंट वांट टीच यू द कंपनी अकाउंट हियर, करेक्ट, नॉर्मल बिजनेस समझो, राइट. अब क्या हुआ, 2 लाख डिवाइड बाई 10, नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 20,000. अब 20,000 में कौन, अब देखो ध्यान से, कौन कितना पैसा यहाँ लगाएगा, जिसके पास जितना शेयर होगा. अब उसमें से मैंने कहा, नहीं मैंने नहीं कहा, मैं कहूँगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी ध्यान से, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू प्रमोट यू गाइज. अब क्या हुआ, ए ने कहा कि सर मैं 10,000 शेयर खरीदता हूँ, 10,000 शेयर करता हूँ. अब बताओ, ए ने 10,000 शेयर खरीदा, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, तो उसको कितना में मिलेगा 10 रुपया पे. तो 10,000 × 10, ए कितना लगाएगा 1 लाख रुपया. तो कितना परसेंट स्टेक उसके पास चला गया 50%. बी ने कहा कि 5,000 मैं भी शेयर खरीदूंगा, देखो शेयर कैसे बिक रहा है, 5,000 मैं भी खरीदूंगा. चलो जी बी ने 5,000 खरीद लिया, तो बी कितना पैसा देगा 5,000 × 10, फेस वैल्यू 10, कितना हो गया 50,000 रुपया. मेरे पास भी आया, भैया आप कितना शेयर खरीदोगे, 5,000 खरीदूंगा, तो 5,000 × 10 कितना हो गया जी 50,000 रुपया मैंने भी लगाया, राइट. तो मेरे पास 5,000 शेयर है, दूसरे के पास 5,000 है, मतलब मैं ए हूँ तो मैं मान लो सी हूँ तो 5,000 आ गया, बी के पास 5,000 शेयर आ गया, ए के पास 10,000 शेयर आ गया, राइट. ऑफकोर्स ए के पास 10,000 शेयर है, बी के पास 5,000 है, मेरे पास मैं सी हूँ सिर्फ 5,000 शेयर. क्या हम तीनों प्रमोटर हैं या सिर्फ ए प्रमोटर है? हम तीनों ही प्रमोटर हैं. हमने किस प्राइस पर खरीदा शेयर को, फेस वैल्यू पे खरीदा. सो फेस वैल्यू इज दैट प्राइस ऑफ द शेयर एट विच प्रमोटर बाइट द शेयर एंड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज प्रिंटेड. ध्यान रखना अच्छी तरह से, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे जाता है, शेयर स्प्लिट फेस वैल्यू से ही होता है. समझ में आई बात मेरी? फेस वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब अगर मान लिया जाए कि ABC ने मिलके शेयर लिस्टेड कर दिया एंड मार्केट में आम जनता को इशू प्राइस किया 110 रुपया, देन 100 रुपीज़ विल बी टर्म्ड एज ए प्रीमियम. 100 रुपीज़ विल बी टर्म्ड एज व्हाट? प्रीमियम. 10 रुपया का शेयर क्या 5,000 रुपया का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. इन्फोसिस का शेयर 5,000 10,000 रुपया पर 10 रुपया का शेयर गया है. ब्रिटानिया का शेयर फेस वैल्यू, ब्रिटानिया बिस्किट खाते हैं ना, 5 रुपया 10 रुपया का बिस्किट देख रहे हो ना, हाँ 5 रुपया 10 रुपया का ही होता है. ब्रिटानिया का बिस्किट कितने का मिलता है 5 रुपया 10 रुपया. कई बार आप कुत्ते को खिलाने के लिए भी खरीद लेते हो, बाद में भूख लगता है तो खुद ही खा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ना, खा सकते हैं, उसमें नाम थोड़ी लिखा है कुत्ते का बिस्किट है. ओके, इसका फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितने का है? ब्रिटानिया का फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितने हैं 2 रुपया. हाँ, और कितना प्राइस था इसका? आई एम टॉकिंग अबाउट, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1819 में द फेस 1819 में ₹2 के फेस वैल्यू का शेयर वो सिर्फ 4,998, दैट इज मीन्स ऑलमोस्ट 5,000, सही 5,000, ₹2 का फेस वैल्यू, दैट्स हाउ मच, 5,000, 5,000 शेयर. सो फेस वैल्यू इज दिस, रिमेनिंग इज व्हाट. अगर कंपनी के पास आता है तो इज अ प्रीमियम. आपस में जो डील करते हैं वो ठीक है, वो स्टॉक मार्केट का गेम है. वेरी सिंपल पॉइंट. सो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है. ये सर्टिफिकेट में आपने देख लिया होगा. सो आगे हम जब बात करेंगे तो हम बहुत अच्छी बातें करेंगे, शेयर मार्केट बारे में बात करेंगे. हमारे क्लास को ट्यून रहिएगा, देखते रहिएगा.